एक्चुअली सच बताऊँ तो फर्स्ट इम्प्रेशन में मुझे लगा था कि यार ये KTM ने क्या हक दिया है, बट अब जब बाइक को चलाया इसका फील लिया तो सो गाइज गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अगर आप लोगों ने ये वाला मेरा वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा मैं कुछ दिन पहले सोलन गया था KTM। A few moments later. सो आई वाज सेइंग कि आपने अगर ये वाला वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा मैं कुछ दिन पहले सोलन गया था अपना टायर चेंज करवाने के लिए। उस दिन मुझे रियर टायर मिला था सिर्फ, तो आज मुझे कॉल आया था KTM सोलन से कि आपका टायर आ गया तो मैं वो चेंज करवाने जा रहा हूँ। और यहाँ पे वी हैव अ न्यू मेंबर इन KTM फैमिली, दीक्षित, कॉन्ग्रेचुलेशन ब्रदर। थैंक यू। इसने भी ड्यूक 200 लिए, 2021 मॉडल है ना ये भाई, 2021 मॉडल है। और कैसा लग रहा है भाई? बेस्ट। सेफली राइड करेगा? राइड सेफली करोगे ना? सो सब कमेंट सेक्शन में कॉन्ग्रेचुलेशन दीक्षित लिख देना। एक्चुअली बाइक इसने जल्दी ले ली थी, 15 को था ना डिलीवरी। एक्चुअली दशहरा वाले दिन इसने डिलीवरी ले ली थी लेकिन मैं था नहीं उस दिन, तो फिर आज दीक्षित मिलने आया था। सो कमेंट सेक्शन में इसके लिए एक बार कॉन्ग्रेचुलेशन पक्का लिख देना और वेलकम टू KTM फैमिली भी कर देना यार। सो दीक्षित कुछ बोलना है किसी को? राइट से बस। सो आज जाना है KTM सोलन। KTM सोलन जाके पहले तो अपना फ्रंट टायर चेंज करवाता हूँ, और RC 200 भी नए वाली आ गई है तो जाके उसको भी देखते कि क्या है उसमें, क्या मज़ा देती है वो बाइक भी। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? सो मैं डायरेक्टली मिलता हूँ आपको KTM शोरूम सेंटर में, क्योंकि मोटर लॉग मेरा मन नहीं है यार आज करने का, आई जस्ट वॉन्ट टू एंजॉय दी रोड्स। सो मिलता हूँ जैसे ही मैं KTM सोलन पहुँचता हूँ। सो यार फाइनली हम पहुँच गए KTM सोलन। जैसे कि आप देख सकते हो बाइक मैंने अंदर दे दी है वहाँ पर टायर चेंज करवाने के लिए, और यहाँ पर देखो यार RC 200 2021 मॉडल खड़ा है। अभी जाता हूँ योगेश भैया से बात करता हूँ, इसकी चाबी लेता हूँ और आप लोगों को इसकी एक झलकी दिखाते हैं कि क्या है क्या नहीं है, और सिनेमेटिक्स लेते हैं, दो चार बी रोल्स लेते हैं, और कुछ नहीं बस देखते क्या है इस बाइक में ऐसा लायक कुछ। आई थिंक डिज़ाइन के अलावा इसमें कुछ ज़्यादा चेंज हुआ नहीं है, लेट्स सी जो भी होता है देखते आगे। सर जो पिछले शॉट में आपने मैं ड्यूक 200 सॉरी RC 200 आपको दिखा रहा था वो यही वाली है, और अभी बस इसमें टेम्परेरी नंबर प्लेट लगने वाली है आगे और पीछे, और उसके बाद आई एम गोइंग टू टेक दिस बाइक फॉर अ टेस्ट राइड। इसके डायनामिक्स आप देख सकते हैं पूरी तरह से चेंज है पुरानी RC से। इसका टैंक साइज़ की कैपेसिटी इंक्रीज होगी, साथ में जो डिस्क है वो भी पूरी चेंज हुई है, और इसके अलॉयज़ भी चेंज हुए हैं। जो कि इसकी स्पेसिफिकेशन होगी वो आपकी कहीं ना कहीं स्क्रीन में आ रही होगी। बस अभी इस बाइक को ले जाते हैं टेस्ट राइड पर, फिर देखते हैं कि कैसी है। इसकी नंबर प्लेट्स लग गई है और अब इस बाइक को स्टार्ट करते हैं और लेके जाते हैं इसको स्पिन के लिए। एक बार देखो कितनी प्यारी बाइक लग रही है। और आप लोगों को अगर ये बाइक लेनी है तो आपको KTM सोलन में ये मिल जाएगी, आप योगेश भैया से कांटेक्ट कर सकते हो, इनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो लेट्स जस्ट टेक द बाइक एंड देखते हैं कैसी परफॉर्म करती है। राइडिंग पोस्चर बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव है, लेकिन एज यू कैन सी जो 5'7" या 5'8" के अराउंड है उनके लिए कम्फर्टेबल है पूरी बाइक। पहला स्टार्ट देते इसको, तो कुछ ऐसा इसका है, और एग्जॉस्ट नोट लेट्स जस्ट टेक द बाइक फॉर अ स्पिन। लेके चलते हैं बाइक को। तो यार पूरी नई बाइक है अभी, इसलिए मैं इसको भगा नहीं सकता हूँ, बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव इसका पोस्चर है। और क्या मक्खन चल रही है यार, ओहो हो, ब्रेकिंग भी बहुत अच्छी है। मैं इसको भगाऊंगा नहीं बिल्कुल भी। दिस वीडियो इज़ जस्ट गोइंग टू बी अ हैंड्स ऑन वीडियो एंड फर्स्ट इंप्रेशन वीडियो। आप देख सकते हो इसमें फ्यूल बिल्कुल भी नहीं है, तो अभी जाके पहले फ्यूल चेक करवाते हैं। डिजिटल मीटर आ गया पूरा आगे इसका, और क्लिप ऑन हैंडल है, हैंडल बार क्लिप ऑन है साथ में। तू क्या एक बात बोलता हूँ यार, मुझे ना ड्यूक से ज़्यादा अच्छा पोस्चर इस बाइक का लग रहा है, क्योंकि आपका इसमें बिल्कुल भी शोल्डर में कोई भी, ओह आई एम रियली सॉरी, इधर मैंने सेट नहीं किए थे।
सो यार आई वाज सेइंग कि मुझे ना ड्यूक से ज़्यादा अच्छा पोस्चर इस बाइक का लग रहा है, आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि मेरे शोल्डर में बिल्कुल भी कोई भी स्ट्रेस नहीं आ रहा है। यार बहुत ही प्यारी बाइक है टू बी ऑनेस्ट। अगर मैंने ड्यूक 200 ना ली होती तो फॉर श्योर आई वुड हैव बॉट दिस बाइक। एक्चुअली सच बताऊँ तो फर्स्ट इंप्रेशन में मुझे लगा था कि यार ये KTM ने क्या हक दिया है, बट अब जब बाइक को चलाया इसका फील लिया तो बहुत ही प्यारी बाइक है। अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोगों को भी ये बाइक चाहिए या फिर आप लोग इसका फील लेना चाहते हो तो आप KTM सोलन से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। उनके पास अभी ये फ्रेश लॉट आया, आई थिंक ये लास्ट नाइट ही ये वाला लॉट आया है। एज यू कैन सी किलोमीटर सिर्फ 2 किलोमीटर चली है ये बाइक। तो यस, इट इज़ अ वेरी नाइस बाइक। आपको इसकी जो मैक्सिमम पावर है वो अराउंड 25 PSI मिलती है 10,000 RPM में, और इसकी जो मैक्सिमम टॉर्क है वो है 19.8 Nm जो कि आपको अराउंड 8,000 RPM में मिलती है। बाकी जो भी इसकी डिस्क होगी और जो भी इसकी अदर स्पेसिफिकेशंस है वो मैं आपको थोड़ी देर में बता दूंगा। यार आवाज़ बहुत प्यारी है इस बाइक की। सो ऐसा करते हैं, इसको मार्केट लेके जाते हैं, ज़्यादा नहीं बीच से ही वापस ले आऊँगा, देखते हैं लोगों के रिएक्शंस कैसे होते हैं। अटेंशन ग्रैबिंग तो ज़रूर है ये बाइक, ये मैंने देख लिया अभी। सो इफ़ यू आर प्लानिंग टू बाई अ बाइक यू कैन लुक फॉरवर्ड फॉर दिस। अराउंड 2.6 शायद इसका एक्स शोरूम है, आई एम नॉट श्योर। लोगों के रिएक्शंस देखते हैं। आई विश आई कुड हैव अ GoPro, उससे ज़्यादा अच्छी वो फुटेज आती, बट दैट्स अरे चाचा कहाँ गो, काश मैं इसको भगा पाता, लेकिन अभी बिल्कुल नया बाइक है यार। और एज यू मे नो कि फर्स्ट सर्विस से पहले बाइक ज़्यादा भगानी नहीं चाहिए हाई RPM में मोस्टली। सो अभी इसको ऐसे इंजॉय करते हैं। तुम लोगों के रिएक्शन देखो यार, कितने प्यारे रिएक्शंस मिल रहे हैं। अटेंशन ग्रैबिंग तो फॉर श्योर यह बाइक है, एक बार तो सबकी नज़र ज़रूर जा रही है इस पर। जिनको समझ आ गया होगा वो समझ गए होंगे किन की नज़रें इस बाइक पर जा रही है। समझ रहे हो आप? ऐसा करता हूँ आगे से यू टर्न ले लेता हूँ, क्योंकि मैं इसको ज़्यादा दूर नहीं ले जाना चाहता हूँ। Although I wanted to take this bike to a highway, but let's just keep it for the next time. So guys, if you are looking for RC 200 या Duke 200 में से, तो I would suggest कि आप ये नए वाली RC 200 को एक बार try करके देखो, इसका test ride लेके देखो। Being a Duke guy, I can say that this is much better than Duke 200. I don't know why मुझे ये feel हो रहा है, first impressions मेरे ऐसे हैं। और it is an amazing bike यार, to be honest. पहले मुझे लगा था कि यार क्या इन्होंने ये बना दिया है, बट अब जब चलाया तो पता लगा कि नहीं, इट इज़ अ वेरी गुड बाइक। मैं बोलूँगा 200 Duke 200 से ज़्यादा अच्छी RC 200 है। अब ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि मैं ड्यूक बहुत टाइम से चला रहा हूँ। आई डोंट नो आपको आगे PRG वाले में दिख रहा होगा मेरा रिफ्लेक्शन कि नहीं, लेकिन राइडिंग पोस्चर का आप अंदाज़ा लगा सकते हो। यहाँ से काफ़ी झुकना पड़ता है आपको, बैंड करना पड़ता है। सो टॉकिंग अबाउट दिस बाइक, इसमें अब 13 लीटर्स का फ्यूल टैंक मिलता है हमें एज पर दी इंफॉर्मेशन गिवन बाय दी शोरूम। सो बहुत ही अच्छी बात है यार, जो इसमें 13 लीटर्स का टैंक है, अब इट मीन्स आपकी रेंज इंक्रीज हो जाएगी। अब योगेश भैया को एक बार कहा था कि भैया मुझे बाइक चाहिए, मुझे वीडियो बनाना है, इसका टेस्ट राइड लेना है, तो उन्होंने सामने से बोला कि लो लेके जाओ यार, देखो कैसी है क्या है। तो थैंक यू योगेश भैया, आपको हमेशा आपने सपोर्ट किया है। एंड आई वॉज टॉकिंग अबाउट की अटेंशन ग्रैबिंग है, तुम लोगों ने देख लिया होगा शायद अभी।
सो यार फर्स्ट इम्प्रेशंस बाइक के कुछ इस तरह से है कि बहुत ही ज़्यादा प्यारी हैंडलिंग है इस बाइक की। ये क्लिक ऑन हैंडल्स है इसके साथ के साथ, जो सेंटर ऑफ बैलेंसिंग है बाइक का वो भी बहुत प्यारा है, आप लोगों ने पीछे क्लिप में देख लिया होगा। बाकी इसके स्पेसिफिकेशन मैं आपको स्क्रीन में दिखा दूंगा, कहीं ना कहीं आ रहे होंगे। तो ऐसी कुछ ये 200 RC 200 2021 नया मॉडल लगता है। एंड इफ़ यू वांट टू बाय आप KTM सोलन में कांटेक्ट कर सकते हो। और इसके बी रोल्स आर कमिंग इन 3 2 1। सर एक बार आपको वॉक अराउंड दे देता हूँ मैं इस बाइक का। सो फ्रंट बाइक का कुछ इस तरह से है। टू बी ऑनेस्ट मुझे पर्सनली पहले पसंद नहीं आया था ये, लेकिन अब जैसे जैसे बाइक के साथ टाइम बिता रहा हूँ मुझे, मैं मतलब इसको डाइजेस्ट कर पा रहा हूँ। सो फ्रंट प्रोफाइल कुछ ऐसा है, साइड से कुछ ऐसी दिखती है हमारी बाइक, बहुत ज़्यादा चमक रही है। और आप लोगों को ना एक जो मेजर चेंज दिख रहा होगा ना इसकी सीट्स पे, वो दिख रहा होगा यहाँ पर पिलियन के लिए प्रॉपर फुल फ्लैश सीट लग गई है इसमें। ये कुछ ऐसे बैक प्रोफाइल है, बैक से कुछ इस तरह से दिखती है, बहुत ही प्यारी देखने में यार। रियल लाइफ में ना बहुत प्यारी है, जब तक आप लोग इसको रियल लाइफ में आके नहीं देखोगे ना यू कैन नॉट एक्सपीरियंस इट्स ब्यूटी, क्योंकि फोटोज़ में जैसी दिखती है रियल लाइफ में उससे बिल्कुल ऑपोजिट है यार। फोटोज़ में इतना सर्विसिंग की फ़ोटोज़ बिल्कुल भी जस्टिस नहीं करती है इस बाइक के लिए। आई डोंट नो कैसा क्वालिटी आ रहा होगा अभी इस फ़ोन से भी, लेकिन स्टिल एक बार आओ शोरूम में, बाइक को चेकआउट करो, इसका लुक एंड फील लो, टेस्ट राइड लो, फिर डिसाइड करना कि इफ़ यू वांट टू बाय दिस बाइक या फिर आपको कोई और बाइक लेनी है, क्योंकि दिस बाइक इज़ वर्थ गिविंग अ शॉट। एंड जैसे कि आपको पता ही है, इफ़ यू वांट टू बाय एनी बाइक आप लोग KTM सोलन आ सकते हो। यहाँ पर आपको सेकेंड हैंड बाइक्स भी मिल जाती है, चाहे वो ड्यूक हो या फिर कोई और हो। और साथ के साथ आपको पूरी फुल फ्लैश, देखो RC 200 यहाँ पे भी खड़ी है, यहाँ पे भी RC 200 खड़ी है, नए वाला लॉट है पूरा। सो अवेलेबिलिटी की ऐसी कोई टेंशन नहीं होगी आपको, एक बार आओ। आपको हेलमेट्स चाहिए तो हेलमेट्स भी पूरे मिल जाएंगे, पूरी एसेसरीज है, A to Z एसेसरीज आपको KTM सोलन में पूरी मिल जाएगी। सो यस, इफ़ यू वॉन्ट टू जस्ट टेस्ट राइड इट, और आपको अगर फील लेना है इस बाइक का, आप लोग मन बना रहे हो बाइक लेने के लिए, तो एक बार आके इस बाइक को भी चेकआउट ज़रूर कर लो। ठीक है मैम, थैंक यू, मिलते हैं अगली बार। ओके मैम, ठीक है ना, मिलते हैं, ठीक है भैया, चले भैया, ठीक है फिर, बाय, थैंक यू, ठीक है भैया, थैंक यू, ठीक है भैया, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, थैंक यू भैया, चले। ठीक है भाई जी, है सो गाइस फाइनली अपनी छाया का काम पूरा हो गया, आज पूरा टिप टॉप बोलते जिसको। मुझे आज जो फटका पड़ा है वो पड़ा है ऑलमोस्ट 12,000 का। एक तो इसका फ्रंट टायर चेंज हुआ है, साथ में पूरा चेन सेट चेंज है, और साथ में एक हमने हेलमेट भी लिया नया एक्सिस का, एक्सिस या एक्सिस पता नहीं क्या प्रोनंसिएशन है, लेकिन यही कुछ एक है। तो हाँ, आज जरा थोड़ा पॉकेट में हैवी पड़ गया।